इस्लाम के नाम पर दूसरी शादी करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, बोले मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी। मुसलमान बनाने के झूठे प्रमाण पत्र का गोरख धंधा करने वालों पर मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीब उर रहमान सानी लुधियानवी ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति इस्लाम के नाम पर दूसरी शादी करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लुधियाना में पत्रकार सम्मेलन में शाही इमाम ने कहा कि ये ठीक है कि इस्लाम धर्म में अपने मानने वाले को चार निकाह करने की इजाजत दी है, लेकिन उन लोगों के लिए ऐसी कोई भी संभावना नहीं है जो कि सिर्फ दौलत के बल पर मुसलमान बनने का ढोंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए बुलाई गई है कि भी अक्सर लोग जो हैं जो हिंदू या सिख जो दूसरे समाज के लोग हैं वो अपनी हवस पूरी करने के लिए दूसरी शादी करते हैं, जबकि हिंदू और सिख समाज में दूसरी शादी नहीं कर सकते पहली बीवी की रजामंदी के बगैर। तो ये क्या है कि भी वो करते हैं मुसलमानों बनने का ड्रामा करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं मुसलमान बनने का और उसके बाद दूसरी शादी कर, उसकी वजह से बहुत सी लड़कियाँ और औरतें जो हैं वो दुखी हैं जिनकी अप्रोच हमारे तक पहुँची। तो हमने ये फैसला किया है कि भी जो लोग जो है सिर्फ मुसलमान बनने के लिए जाली मुसलमान बनने के लिए ऐसा करते हैं उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाएंगे और उन मौलवियों के खिलाफ भी और उन संस्थाओं के खिलाफ भी पर्चा दर्ज कराएंगे जो झूठे प्रणाम पत्र देते हैं और मुसलमान होने के लिए, क्योंकि मुसलमान होने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जिसको मुसलमान होना है उसको वो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये तो वो लोग जो हैं जिन्होंने सिर्फ मकसद यह है कि भाई अपना हवस पूरा करने के लिए और पुलिस से बचने के लिए, तो वो मकसद है कि भाई इस्लाम धर्म का नाम लेकर सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए इस्लाम इनको हराम करार देता है, मना करता है। इसके लिए हमने 3 मेंबरी कमेटी बनाई है जो वगैरह स्क्रीनिंग करेगी पूरे पंजाब में और जहाँ जहाँ भी जो लड़कियाँ सताई गई हैं उनकी हम पूरी इमदाद करेंगे। अदालत में भी जाकर यानी कि हम लिख कर देंगे अदालत को भी ये आदमी मुसलमान नहीं है, सिर्फ धोखा देने के लिए जो है इस्लाम का सर्टिफिकेट ले रहा है। वही शाही इमाम ने कहा कि लुधियाना जामा मस्जिद में पंजाब भर से ये शिकायतें मिल रही हैं कि आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति कागजों में अपना धर्म इस्लाम बताकर दूसरी शादियां कर रहे हैं। उनके इस नापाक कार्य से कई परिवारों की जिंदगी खराब हो रही है। ऐसे लोगों को झूठे प्रमाण पत्र देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई जाएगी। जागृति लहर के लिए सेठी चौहान की रिपोर्ट। मैं लाली लालपुरी मेंबर यूथ अकाली दल कोटपुरा अते मेरी पार्टी अकाली दल वालों समूह इलाका निवासियों नूं अते देश विदेश विच रहिंदे पंजाबियों नूं विसाखी दे पवित्र त्यौहार दीआं लख लख वधाईआं। मैं ये दिलों कामना करदा हाँ कि यह विसाखी का त्यौहार अपने सारिआं लई खुशियां लैके आवे। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ, ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਲਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ
1699 ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ।